हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे ऑयल के बारे में बताऊंगी जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है और ये ऑयल आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं बात जिस ऑयल के बारे में करूंगी वो आपको हेयर फॉल, हेयर लॉस की प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाएगा। साथ ही अगर आपको बहुत ज्यादा अपने पतले बालों से परेशानी हो रही है तो ये आपके बालों को घना बनाने में भी मदद करेगा। साथ ही अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम है तो ये आपके हेयर ग्रोथ को 3 गुना तक ज्यादा कर देता है। और सबसे अच्छी बात, बालों को बढ़ाने के साथ साथ अगर आपकी आई लैशेस कम है या हल्की हैं तो ये उनको भी घना और काला बनाता है और साथ ही साथ आपकी आईब्रोज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस ऑयल में वो सारे गुण हैं जो कि एक आइडियल ऑयल में होने चाहिए। तो ये ऑयल तो मेरा फेवरेट ऑयल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इस ऑयल को शेयर करूं जिससे आपको भी फायदा मिल सके। तो दोस्तों, वो ऑयल कौन सा है वो तो आप देखिएगा, साथ ही आपको कैसे यूज करना है ये भी जानिएगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उसके दबाए बिना आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज जिस ऑयल के बारे में बात कर रही हूँ वो है कैस्ट्रो ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये ऑयल मेरा फेवरेट ऑयल है क्योंकि जब भी मुझे कोई भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रही है या हेयर थिनिंग होने लगी है मुझे, तो मैं इसे यूज करती हूँ। मुझे 1 से 2 बार यूज करने के बाद ही इससे फायदा नजर आने लगता है। तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ इसको शेयर करूं कि मैं इसे कैसे यूज करती हूं और कैसे मुझे इससे फायदा मिलता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कैस्ट्रो ऑयल में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही इसमें रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन ई, मिनरल्स और बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 6 और 9 फैटी एसिड होते हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ मैं इसको हेयर ग्रोथ के लिए कैसे यूज करती हूँ। इसके लिए मैं लेती हूँ 3 टेबल स्पून कैस्ट्रो ऑयल और उसमें मैं ऐड करती हूँ 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, जिससे कि कैस्ट्रो ऑयल थोड़ा पतला हो जाए, थिन हो जाए और मेरे बालों में अच्छी तरीके से लग सके। मैं इसको अपने स्कैल्प पे 5 मिनट तक मसाज करती हूँ, फिर पूरे बालों में लगा के इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं शैम्पू कर लेती हूँ। ऐसा मैं वीक में 2 बार करती हूँ तो मेरे बालों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है, मेरा हेयर फॉल रुक जाता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, साथ ही मेरे हेयर में एक शाइन आ जाती है। तो ये वाला मेथड बहुत ही ज्यादा इजी है और इसको दोनों लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि बॉयज भी और गर्ल्स भी। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने हल्की आईब्रो और अपने पलकों को घना बना सके कैस्ट्रो ऑयल यूज करके। इसके लिए मैं यूज करती हूँ 1 टेबल स्पून कैस्ट्रो ऑयल और उसमें मैं डालती हूँ 1/2 टेबल स्पून आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। अगर आप बादाम का तेल नहीं डालना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करिए और इसके बाद आप इसको अपनी आई लैशेज यानी पलकों पे हल्का सा लगाएंगे और अपनी आईब्रो पे लगाएंगे और रात भर ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा आपको डेली करना है, इससे आपको जरूर फायदा मिलता है। आप इसको 1 वीक तक ट्राई करके देखिए जरूर। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ आसान सी टिप्स जिनको यूज करके आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं, साथ ही अपनी आईब्रो और अपनी आई लैशेस को भी ब्लैक और थिक बना सकते हैं। इनको यूज करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ और आई एम श्योर आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर जरूर करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि चैनल में मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ जिनको आप मिस ना कर सके। मैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।